फ्रेंड्स, आज की वीडियो और आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि माइनर एज अ पार्टनर क्या पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है या नहीं। हमने हमारी पिछली बिजनेस लॉ की क्लास में काइंड्स ऑफ पार्टनर समझा था और आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या माइनर, वेदर अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप और नॉट। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यस, एक माइनर पार्टनर बन सकता है अगर माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट करने के लिए सारे बाकी सारे पार्टनर्स यस बोल दें, यानी कि इफ दे गिव देयर कंसेंट कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर को पार्टनर बना लो, देन अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। बस इसमें एक डिफरेंस आएगा कि माइनर अगर पार्टनर बन गया तो वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। हमें पता है बाकी पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और यहाँ पे वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। और दूसरा, उसका जो भी शेयर होगा फर्म में से उसे जो भी शेयर मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, जो भी शेयर मिल रहा है वो फर्म की लायबिलिटीज के लिए, जो भी फर्म्स की एक्ट के लिए, ठीक है, वो लायबल होगा, उसका शेयर लायबल होगा, बट ही इज नॉट पर्सनली लायबल टूवर्ड्स द एक्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस अगर एक माइनर को आप पार्टनर बनाते हो। तीसरी बात, माइनर के पास सारी राइट्स एंड ड्यूटीज सेम होती है जैसे नॉर्मली और पार्टनर्स के पास। उसको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है, प्रॉपर्टी में शेयर भी मिलता है, जो भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है उसमें शेयर भी मिलता है, और उसके अलावा वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऑल सच थिंग्स ही कैन ऑल्सो डू लाइक एनी अदर पार्टनर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये दिया गया है कि माइनर क्योंकि he cannot be a party to the contract क्योंकि वो 18 ईयर से कम होता है, वो अभी कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, तो उसको डिसक्वालिफाइड पर्सन, सॉरी नॉट डिसक्वालिफाइड बट ही इज नॉट कैपेसिटेटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि कोई भी अग्रीमेंट और अगर कॉन्ट्रैक्ट हम पार्टनर माइनर के साथ करते हैं तो वो वॉइड होता है। वॉइड मतलब जिसको लॉ नहीं मानता, फाइन। और इसी के बेसिस पे ये चीज बोली जाती है कि माइनर को आप पार्टनर रख सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। इसमें एक केस आया था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, उसमें एक मिस्टर ए माइनर थे, उन्होंने 20,000 रुपए लिए थे मिस्टर बी से और एक मॉर्गेज डीड साइन करी थी, और उसके बाद मिस्टर ए मेजर हो गए, मेजर मतलब ही अटेंड द एज ऑफ 18। और बाद में ये चीज हुई थी जब मिस्टर बी ने उनके अगेंस्ट केस करना चाहा तो मिस्टर ए ने ये चीज क्लियरली स्पेसिफाई कर दी कि जब मैंने ये मॉर्गेज डीड साइन की थी तब मैं माइनर था और माइनर द्वारा किया गया कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता लॉ की नजरों में, वो वॉइड होता है। तो एट द एंड इसमें बेनिफिट किसको मिला था? मिस्टर ए को, क्योंकि उन्होंने वो 20,000 रुपए भी लिए ना रीपे किए, सारा बेनिफिट्स वो ले गए। तो इसलिए बोला जाता है कि माइनर कैन बी एंटर एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ओनली फॉर द बेनिफिट्स, राइट। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि क्या माइनर अगर मेजर हो जाए, अगर माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है और उसके बाद वो मेजॉरिटी अटेन करता है, यानी कि इफ ही अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अब क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज में कोई चेंज आएगा? यस ऑफ कोर्स आएगा। अगर माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है और मीन वाइल अगर वो मेजॉरिटी अटेन करता है, यानी कि उसका हैप्पी बर्थडे आ जाए और वो 18 इयर्स का हो जाए, तो मेजॉरिटी अटेन करने के 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें पब्लिक नोटिस देना होता है। पब्लिक नोटिस किस लिए? क्योंकि अब उसे डिसाइड करना है कि उसको इस फॉर्म में एज अ पार्टनर रहना है या नहीं रहना, क्योंकि अगर अब वो रहेगा, क्योंकि अब वो माइनर नहीं, उसको वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो उसे पहले मिलते थे। तो इसमें क्या किया जाएगा? अगर आपने पब्लिक नोटिस माइनर को देना पड़ेगा, अगर उसने पब्लिक नोटिस दिया तो हम ये मतलब वो पब्लिक नोटिस उस केस में देगा अगर वो अब उस फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना नहीं चाहता, और जैसे वो पब्लिक नोटिस देगा उसके बाद उसकी फर्दर कोई भी कमिटमेंट फर्म की तरफ नहीं रहेगी, कोई राइट्स लायबिलिटीज नथिंग विल बी देयर, फाइन। और अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फर्म ये अज्यूम कर लेगी कि ये एज अ मेजर पार्टनर, रिमेंबर
एज अ मेजर पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है। और अगर उसने ऐसा किया, इफ ही विल कंटिन्यू एज अ पार्टनर, तो याद रखना फ्रेंड्स कि जब वो एज अ माइनर फर्म में एडमिट हुआ था, तब से लेकर अब तक की उसकी जितनी पुरानी लायबिलिटीज थी, ठीक है, जो भी उसकी पर्सनल लायबिलिटीज बनती थी, वो सब उसको अब पे ऑफ करनी पड़ेगी। और फर्दर आज के बाद, इस पब्लिक नोटिस देने के बाद भी, फर्म के एंड से जो भी लायबिलिटीज आएगी उसके लिए भी वो लायबल रहेगा। एट द सेम टाइम ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फाइन, टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। तो ये डिसाइड करना पड़ता है माइनर को जब वो मेजोरिटी अटेन करने कि वेदर ही वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और वेदर ही डोंट वांट टू कंटिन्यू। किया तो पुरानी लायबिलिटीज भी पे ऑफ करते हुए चलना पड़ेगा उसे। सो दैट्स ऑल अबाउट द माइनर्स पोजीशन एज अ पार्टनर और व्हाट आर दी लाइक व्हाट वुड बी द सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस इफ ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी। मेजॉरिटी अटेन करने के बाद माइनर का रोल क्या रह जाता है, दैट वी डिस्कस्ड टुडे। होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।